हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग आज का मेरा वीडियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर बेस्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स मान लीजिए अपनी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आया टेन थाउजेंड यूनिट्स इसका मतलब हुआ इस टेन थाउजेंड यूनिट्स पे कंपनी की टोटल कॉस्ट इक्वल है सेल्स से और इस लेवल पे ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कंपनी को लॉस हो रहा है जैसे ही कंपनी टेन थाउजेंड यूनिट से ऊपर की सेल्स करेगी कंपनी का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और टेन थाउजेंड यूनिट से नीचे की यदि कंपनी सेल करती है तो कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है अब मान लीजिए अपनी कंपनी की एक्चुअल सेल्स हुई फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स अब यहां पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी को कितनी सेल्स पे प्रॉफिट हुआ 5000 यूनिट्स की सेल्स पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ इस 5000 यूनिट्स की सेल को अपन बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सेल्स का वो लेवल जिस पे कंपनी को केवल प्रॉफिट होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अपन क्या कंसिडर करते हैं प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मुला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अब यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को रुपीज में कैलकुलेट करनी है तो अपन यूज करेंगे फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और यदि यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब इस वीडियो में अपन अलग अलग सिचुएशंस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे तो फर्स्ट केस लेते हैं यहां पे अपनी एक्चुअल सेल्स है कंपनी की फिफ्टीन लाख रुपीज और कंपनी का ब्रेक इवन सेल्स यानी जहां पे टोटल कॉस्ट कवर हो रही है वो आ रहा है एट लाख रुपीज पे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं वो होता है अपना एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स तो एक्चुअल सेल्स है कंपनी का यहां पे फिफ्टीन लाख रुपीज और कंपनी को ब्रेक इवन हो रहा है 8 लाख ,00 ,00 रुपीस पे तो कंपनी का वो सेल्स का लेवल जिस पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है जिसको अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं वो कितना आ गया यहाँ पे 7 लाख ,00 रुपीस जो है अपना ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट केस में अपन को यहाँ पे लास्ट वाले केस में अपन को रुपीस में एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स गिवन थी अब यहां पे अपन को यूनिट्स में गिवन है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी किस निकलेगा यूनिट्स में निकलेगा अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि अपन को यूनिट्स में निकालना है और अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अब यहाँ पे एक्चुअल सेल्स कितनी है कंपनी की ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है सेवनटीन थाउजेंड यूनिट जिसपे सारी कॉस्ट कवर हो रही है तो कितनी सेल्स पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ थ्री थाउजेंड यूनिट की सेल पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ और यही कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया जो है अपना ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट केस में अपन को गिवन है एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालना है अपन को रुपीज में निकालना है तो जब रुपीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन कैलकुलेट करते हैं और अपन को प्रॉफिट गिवन होता है तो अपना फॉर्मुला अपन यूज करते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अब यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू हंड्रेड से अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अपन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन आ जाता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ट्वेंटी रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है फिफ्टीन तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया फाइव अब अपन इस वैल्यूज को पुट कर लेते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में तो अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो डिवाइडेड बाय ट्वेंटी इंटू हंड्रेड तो पी वी रेशियो आ गया यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट अब अपन इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सबसे पहले अपन रहते हैं प्रॉफिट जो है एट्टी थाउजेंड और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अपन ने कैलकुलेट करा ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया यहाँ पे थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सिचुएशन में अपन को सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है थर्टी रुपीज और यहां पे वेरिएबल कॉस्ट है फिफ्टीन रुपीज और कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है फोर्टी फाइव थाउजेंड का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को कैलकुलेट करना है यूनिट्स के अंदर तो जब यूनिट्स के अंदर अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना होता है और प्रॉफिट अपन को गिवन होता है तो अपन कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं सबसे पहले अपन को यूनिट्स में कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अपन को गिवन है प्रॉफिट तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है और कंट्रीब्यूशन अपन कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है थर्टी रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है फिफ्टीन तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया यहां पे फिफ्टीन रुपीज अब अपन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है फोर्टी फाइव थाउजेंड का और कॉन्ट्रीब्यूशन है अपना फिफ्टीन रूपीज तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा यहां पे थ्री थाउजेंड यूनिट अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सिचुएशन में अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है और यहां पे प्रॉफिट गिवन है और डायरेक्टली यहाँ पे अपन को कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है ट्वेंटी रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन होता है और प्रॉफिट गिवन होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स में और फॉर्मूला हो जाता है अपना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है कंपनी का फोर्टी थाउजेंड और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे गिवन है ट्वेंटी रुपीज तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ गया टू यूनिट्स जो है अपना ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट सिचुएशन में अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट गिवन है फोर थाउजेंड रुपीज का और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है यहाँ पे फोर्टी परसेंट अब यहाँ पे अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कैसे करेंगे जब अपन को प्रॉफिट और पी वी रेशो गिवन होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन कैलकुलेट करते हैं रुपीज में और फॉर्मूला यूज करते हैं अपन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंपनी का प्रॉफिट है फोर थाउजेंड रुपीज का और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आया फोर्टी परसेंट तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी यहाँ पे टेन थाउजेंड ऑप्शन नंबर बी अब नेक्स्ट सिचुएशन में अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है फोर्टी थाउजेंड का और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह अपन को टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीज में गिवन है टू लाख अब यहाँ पे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब यहां पे अपन ने सिचुएशन देखी अब यहां पे अपने हर ऑप्शन में परसेंटेज में अपन ने कैलकुलेट कर रखा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू हंड्रेड तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अपना प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है टू लाख रुपीज इंटू हंड्रेड तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन ने प्रॉफिट में कैलकुलेट करा सॉरी परसेंटेज में कैलकुलेट करा ट्वेंटी परसेंट जो है अपना ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट सिचुएशन में अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स अपन को गिवन है एट्टी परसेंट है ब्रेक इवन सेल्स टोटल सेल्स का तो यदि अपन टोटल सेल्स की बात करें तो टोटल सेल्स को अपन ने माना हंड्रेड परसेंट जिसमें से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है 80% परसेंट तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया यहाँ पे अपना 20% परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जिसपे अपन को प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20% परसेंट लास्ट सिचुएशन है जिसमें अपन को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स गिवन है फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एक्चुअल सेल्स अपन को यहां पे गिवन है फोर्टी थाउजेंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपन को कैलकुलेट करनी है जो है एक्चुअल सेल्स का फोर्टी परसेंट तो अपन ने यहां पे कैलकुलेट कर ली तो ब्रेक इवन सेल्स आ गई यहां पे सिक्सटीन अब अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में अपनी एक्चुअल सेल्स है फोर्टी थाउजेंड ब्रेक इवन सेल्स है सिक्सटीन थाउजेंड तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया यहाँ पे ट्वेंटी फोर थाउजेंड जो है अपना ऑप्शन नंबर डी सो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन ने समझा अलग अलग सिचुएशन में अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं सो फ्रेंड्स इफ़ यू हैव नॉट ईयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको और भी कोई सिचुएशन मिलती है जिसके अंदर अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे